बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम मेरे दोस्त भाई अहबाब जो सऊदी में मौजूद हैं जी, जिनके अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे ये हरूब लगे हुए हैं, क्योंकि हरूब का मामला जो है ना भाई, वो काफ़ी गलत किस्म की कैटेगरीज में आ जाते हैं। मैं सीधी बात करूँ तो हाँ, एक काम एक्सपायर हो, मैंने यकीन माने एक काम एक्सपायर था। मैंने जद्दा से जिजान, जिजान से जद्दा, मेरे इसी चैनल के ऊपर मेरी पुरानी वीडियोज़ आप देख लें, मुकम्मल वो व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ, नकल जवाई से मैंने खुद सफ़र किया हुआ है एक काम एक्सपायर की सूरत में। तो रस्ते में दो दफ़ा छूटते हुए चक की है, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। हाँ, जिस बंदे का हरूब था उसको गाड़ी से उतार लिया नकल जमाई से, और नकल जमाई की टिकट भी आपको मिल जाती है। शायद एक आध वीडियो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको नकल जमाई की टिकट भी मिल जाती है अगर आपका ई काम एक्सपायर हो तो। हाँ, हरूब है तो फिर मुश्किल है, हरूब वाले बंदे को वो बैठाते नहीं है, अगर वो गलती से कहीं मिस्टेक से बैठ जाए तो फिर वो अगर छूटता चेक कर ले तो छूटता उसको गाड़ी से उतार लेता है, ये भी आपको क्लियर कर दूँ मैं। तो बहरहाल जी, आज की न्यूज़ के मुतलक चलते हैं। अगर अल्लाह ना करें जी किसी का हरूब लगाओ, अगर किसी का ई काम एक्सपायर है तो वो भी इलीगली बंदा ना, कहीं भी छुट्टा पकड़ कर भाई डीपोर्ट तो कर ही सकता है, ये डर तो रहता है, या बदून कफील के जुमरे में रखकर या ई काम एक्सपायर है या कोई भी केस डाल देगा ऊपर। और साय खास आमल मंजिली वाले भाई और बदून कफील काम करने वाले, जिस सके कंपनी वगैरह से भाग गए बाहर, अपनी मर्जी से काम किए जा रहे हैं। अच्छा, आप कंपनी वगैरह मुसस्से वगैरह से भाग गए हैं, आपको आपका ई काम एक्सपायर था, सैलरी टाइम से नहीं दे रहे थे, आप भाग गए बाहर काम किए जा रहे हैं, आपका ई काम एक्सपायर है, हरूब है, इन सूरतों में अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान जाना चाहते हैं बाइज्जत तरीके से, यानी कि आपका खरूजन हाई लगे और आप अपनी शॉपिंग करें, टिकट लें, सफ़र करें, एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान जाकर उतरें और वहाँ पर आपकी फैमिली आपको लेने आई हो, तो ये होता है बाइज्जत तरीका। बाकी जो तरीका है दूसरा आपको पता है, जेल के रास्ते चलेगा डीपोर्ट होकर वो बंदा एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान पहुँचता है तो बंदे की खुद की हालत बिगड़ी होती है, आगे से पता नहीं किस एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने उतारना, लाहौर उतार देना है या कराची उतार देना है। अच्छा, बहरहाल ऐसे तमाम दोस्त भाई अहबाब अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई हम मिसाल के तौर पर खरूज नहाई या आउट पास के ज़रिए पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या कैसे जा सकते हैं, या अपना तनाजल करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो क्या सूरत हाल है उसकी, ठीक है जी। उसके लिए एक वाफदीन का पेपर होता है, मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूं मैं, आपने मज़ीद इसके मतलब कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल जी, आज की खबर के मतलब चलते हैं। वीकली रिपोर्ट होती है, आप भाइयों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ, मैं यहाँ पर साथ में आपको मैं दिखा रहा हूँ मैं, अगर इसमें टोटल की हम बात कर लें तो 13,445 जी, तकरीबन 13,500 के अराउंड में बंदा गिरफ्तार हुआ है पिछले 7 दिनों में सऊदी अरेबिया में। इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं ये सुन लें। फर्स्ट नंबर के ऊपर रखते हैं मुखालफा निज़ामल इकामा, जिनके इकामे एक्सपायर हैं उनकी तादाद है 8,763। अभी तकरीबन 8,800 के अराउंड में बंदा इकामा एक्सपायर वाला गिरफ्तार हुआ है, पिछले 7 दिनों की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ मैं, आप इससे अंदाज़ा कर लें भाई खुद भी मामला जो चल रहे हैं इस वक्त कंपनियों के, मसस्सों के, हाँ जो आज़ाद काम करते उसमें बहुत कम ऐसे होता है कि वो अपने ई काम एक्सपायर करवाएं, वरना वो भाई कफील से सीधे मामला अपने लेकर चलते हैं। आगे अगर बात करेंगे मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, इनकी तादाद है 3230 बंदा, और आगे है जी मुखालफा निज़ाम अल अमल, ठीक है जी, ये है जी 1452 बंदे। ये वो तमाम मेरे परदेसी भाई जो कंपनी मुसस्से से भाग गए बाहर अपनी दिहाड़ी लगाते हुए पकड़े जाते हैं, या साय खास अमल मंजिली भी इसी जुमरे में आते हैं, यानी कि बदून कफील के जुमरे में। आगे अगर नीचे बात कर लेंगे, मैं आपको दायरा लगा कर ये पिक्चर वहां से बड़ी करके दिखा रहा हूं मैं, तरहील, ठीक है जी, ये इनकी तादाद 8099 यानी कि 8100 बंदा पिछले 7 दिनों में भाई 8100 बंदा सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट हुआ है। आप अभी तमाम परदेसी भाई जितने भी हैं जो तो जेल के रास्ते सफर कर चुके हैं, पाकिस्तान में बैठे मेरी वीडियो देख रखे हैं, वो तो इन मामलों को जानते हैं, लेकिन मैं अगर कोई बंदा सऊदी में बैठा हो तो आपकी मैं आपके लिए ये वाजह कर दूं कि जेल में वो आपको 15 दिन भी रख सकते हैं, 20 दिन भी रख सकते हैं, 1-2 मंथ भी रख सकते हैं, और भाई मामला जेल के बहुत ख़राब होते हैं यकीन माने। तो जो भी जेल के रास्ते डीपोर्ट होकर जाता है तो एक तो वो बीमारी हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपको मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूं, बंदे की खुद की कंडीशन बहुत खराब होती है जब पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है।